हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सर पर यह कहना चाहता हूं कि आम तौर पर खेती का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, देश की बड़ी आबादी खेती के क्षेत्र में काम करती है और जीडीपी में भी खेती का योगदान बड़ा था। बाद में बहुत सारे क्षेत्र खुल गए तो आज खेती का योगदान कम दिखाई देता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी और कोविड के संकट में भी देखेंगे कि दुनिया के सारे काम प्रभावित हुए, लेकिन किसान ने खेती को जीवंत रखा, बंपर पैदावार की, ग्रीष्म ऋतु की बुआई बढ़कर की, खरीफ की बुआई की और खेती का काम, खेती का जीडीपी प्रभावित नहीं हुआ। इसके लिए मैं देश भर के किसानों का निश्चित रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं। लेकिन खेती के क्षेत्र में जब हम विचार करते हैं तो एकांगी विचार होगा तो कभी भी न तो किसान का भला होगा और न खेती मुनाफे में आएगी। आप सबके ध्यान में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कामकाज संभाला और उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए उनकी सरकार प्रयत्न करेगी, राज्य सरकारों के साथ काम करेगी और किसानों के साथ काम करेगी। तो किसानों की आमदनी दोगुनी हो उसके लिए सिर्फ ये ही बिल कारगर नहीं है, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सिलसिलेवार बहुत सारे प्रयास 6 सालों में किए गए। यहां बहुत सारे हमारे मित्रों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो इस प्रकार की शंका कुछ मित्रों ने व्यक्त की। उस समय भी मैंने कहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस विधेयक से कोई भी लेना देना नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही थी और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी, इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृषि, किसान और एमएसपी के प्रति जो नियत है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्वामीनाथन साहब ने काफी अध्ययन करने के बाद कृषि सुधार की दृष्टि से बहुत सारी रिकमेंडेशन की, उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि किसान की जो लागत है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जानी चाहिए। यूपीए सरकार 10 साल तक रही लेकिन एमएसपी को मुनाफा 50% जोड़कर स्वीकार नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने यह निर्णय किया और इस निर्णय के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 15-16 में धान का एमएसपी 1410 रुपए क्विंटल था, आज 19-20 में देखेंगे तो 1815 रुपए क्विंटल है। गेहूं अगर देखेंगे तो 15-16 में 1525 था, आज 1925 है। मूंगफली 15-16 में 4030 थी, आज 5090 है। सोयाबीन 15-16 में 2600 था,
आज 3710 है। चना 15-16 में 3500 था, आज 4875 रुपया क्विंटल है। लगातार इस दिशा में एमएसपी की बढ़ोतरी हो रही है। अभी भी खरीफ की एमएसपी घोषित हो गई है, इसकी खरीद शुरू होने वाली है, रबी की एमएसपी जल्दी से घोषित होगी। जहां तक एमएसपी पर उपार्जन का सवाल है, तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा 2009 से 14 के बीच में धान